पुलिस और बदमाशों में हुई फायरिंग, 5 बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार और कारतूस जब्त। डीएसटी टीम धौलपुर ने रविवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 6 हथियार और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिस पर बचाव में पुलिस टीम ने भी बदमाशों पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर जाटोली गांव के पास घेराबंदी कर बदमाशों को दबोच लिया। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, निर्भीक एवं भयमुक्त संपन्न कराने के लिए बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चल रहा है, जिसके तहत पुलिस की डीएसटी टीम के जरिए मुखबिर गुप्त सूचना मिली कि 2 गाड़ियों में बदमाश अवैध हथियार सहित राजाखेड़ा बाईपास की तरफ से निकलने की फिराक में है। इस सूचना पर डीएसटी टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया और पुलिस ने बदमाशों की दोनों गाड़ियों का पीछा किया, लेकिन दूकापरा गांव के पास बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और गाड़ियों से भागने लगे। जाटोली गांव के पास बदमाशों की एक गाड़ी कचियारे की तरफ भाग गई, लेकिन एक गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया। गाड़ी में से 2 बदमाश हथियारों को लेकर गांव की तरफ भागने लगे, लेकिन डीएसटी के जवानों ने घेराबंदी कर दबोच लिया। वहीं 3 बदमाशों को गाड़ी के अंदर ही पुलिस ने पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि इस दौरान पुलिस ने बदमाश आकाश, बिट्टू, बीरू, संदीप एवं हरिंदर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध 3 देसी कट्टा, 3 बड़े पौना और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने वारदात में उपयोग में ली गई गाड़ी को भी जब्त किया है। गिरफ्तार बदमाशों में से 1 उत्तर प्रदेश का है तथा 4 धौलपुर जिले के निवासी है। बदमाशों से की गई प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि राजाखेड़ा इलाके में बदमाशों के गुटों में गैंगवार की आशंका थी। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर बहन मायावती जी का कहना है, सीमा शर्मा को वोट देना है और विजयी बनाना है। जिला परिषद धौलपुर के सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 9 से कर्मठ एवं जुजारू समाज सेवी तथा शिक्षित बहन जी मायावती जी की पार्टी बसपा के प्रत्याशी सीमा शर्मा BA BEd को चुनाव चिन्ह हाथी पर अपना अमूल्य वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। निवेदक भागीरथ शर्मा उर्फ रिंकू बोहरे। जिसका सभी को था इंतजार, बसपा की आएगी अब सरकार, अभी को दबाना है हाथी का बटन, दबाना है हाथी का बटन। बकरियों को टक्कर मारकर नशे में कार को दौड़ा रहे चालक ने मारी बाइक को टक्कर, पति पत्नी व बेटी एवं 2 बकरी हुई घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के गांव सरानी खेड़ा में रविवार शाम को करीब 5 बजे बाड़ी की ओर से तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित कार ने बकरियों को एक झुंड को टक्कर मार दी, जिससे 2 बकरियों के पैर टूटने से वह घायल हो गई, जिसके बाद चालक कार को तेज गति से लेकर भागा तो हड़बड़ाहट में कार पत्थर से जाकर टकरा गई, जिससे कार का टायर फट गया। लेकिन इसके बाद भी कार चालक नहीं रुका और कार को तेज गति से लेकर भागने लगा, जिस पर सरानी खेड़ा के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पति पत्नी सहित उसकी 10 वर्ष की बेटी घायल हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, लेकिन इस दौरान मौका मिलते ही कार चालक मौके से भाग गया। वहीं कार को लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके गुस्साए लोगों ने शीशे तोड़ दिए। सूचना मिलते ही सदर थाने की पचगांव चौक की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिस पर ग्रामीणों ने कार को पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार जितेंद्र निवासी सादिकपुर धौलपुर व उसकी पत्नी अंबिका एवं उसकी 10 वर्षीय बेटी घायल हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक नशे की हालत में था। ये
जितेंद्र मात गांव में सादे उभरो अच्छा अच्छा दीपावली में ही है मम्मिया ससुर देखते आए रहो मैं और जी बहू और बच्ची तीनों जने बैठे हुए बहुत साइकिल घेरे पे आए गए जितेंद्र मात कहाँ लगी तुम्हारे कहाँ नुकसान हुआ बच्ची के यहाँ लगी मोटरसाइकिल जो लगी है जहाँ मोटरसाइकिल मार ईको टेम्पो भिड़ंत मामले में टेम्पो चालक ने भी तोड़ा दम मृतक संख्या हुई 4। धौलपुर जिले में 5 दिन पहले 12 अक्टूबर को धौलपुर बाड़ी मार्ग पर खनपुरा गांव के पास हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। आपको बता दें कि ईको गाड़ी हुए टेम्पो में हुई इस भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर के बाद आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसमें से इलाज के दौरान लोडिंग टेम्पो चालक योगेश जाटव पुत्र करुआ राम निवासी तोर दानियाल धौलपुर ने शनिवार देर शाम को आगरा के निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजन सबको लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे जहां पुलिस ने आज सब का पोस्टमार्टम करवाया और इसके बाद सब परिजनों को सौंप दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी करीब 2.5 वर्ष का बेटा और 9 माह की बेटी छोड़ गया है जिसकी आर्थिक हालत खराब है। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को केला देवी से मुंडन कराकर आगरा लौट रही ईको कार सामने से आ रहे केले से भरे लोडिंग टेम्पो से टकरा गई जिससे ईको गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि हादसे में लोडिंग टेम्पो चालक सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। मेरे भाई को 12 तारीख को एक्सीडेंट हो गया, केला भर के ले जा रहा था और उधर से ईको आ रही थी, उसका इलाज आगरा 12 तारीख से ही चल रहा था। आज रात को वो एक्सपायर हो गया। मंजरी फाउंडेशन ने महिलाओं को किया सरसों के बीज का वितरण। बसई नवाब कस्बे के प्रधान गार्डन में मंजरी फाउंडेशन के द्वारा सरसों के बीज का वितरण किया गया। मंजरी फाउंडेशन की ओर से HDFC परिवर्तन कार्यालय के द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सरसों का बीज वितरण किया गया जिसमें पंचायत मालौनी पवार वसई नवाब नंदपुरा पिपहिरा कोरेदा के 10 गांवों के किसानों को सरसों की खेती के बारे में विस्तृत से समझाया गया कि कम लागत में वैज्ञानिक तरीके से सरसों की खेती को किस तकनीक से किया जाए जिससे किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके और किसान की आय में बढ़ोतरी हो सके। इस मौके पर मंजरी फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी दिलीप मिश्रा के द्वारा सरसों की खेती को करने से पहले की तैयारी के बारे में विस्तार से बताया गया कि अच्छी गुणवत्ता के बीज का उपयोग करने और 1 बीघा खेत में 700 ग्राम बीज डालने की सलाह दी। कार्यक्रम अधिकारी अमित सिंह ने कहा कि सरसों की खेती के लिए DRMR के सहयोग से अनुसूचित जाति के 125 महिला किसानों को सरसों का बीज का वितरण किया गया। इसी प्रकार सभी किसानों की 700 बीघा खेत में सरसों की फसल महिला किसानों के द्वारा की जाएगी जिससे अनुमानित सरसों 650 टन होने की संभावना है। रास्ते में बाइक खड़ी करने से जाम में फंसी 108 एम्बुलेंस, प्रसव पीड़ा से एम्बुलेंस में कराहती रही महिला। जिले के सैंपो उपखंड क्षेत्र के वसई नवाब कस्बे के बाजार में आए दिन जाम की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। यहां उस समय परेशानी अधिक गहरी हो जाती है जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस 108 की गाड़ी आते हुए जाते समय जाम के बीच खड़ी होकर सायरन बजाती है। बाजार में लगने वाले जाम को लेकर आलम यह है कि दुकानों के सामने दोपहिया वाहन चालक बेतरतीब ढंग से बाइकों को खड़ी कर दुकानों पर दुकानदारी के लिए चले जाते हैं। रविवार के दिन भी एक मरीज को लेकर अस्पताल आ रही एम्बुलेंस 108 की गाड़ी हॉस्पिटल के निकट ही मोड़ पर दोपहिया वाहनों का जमावड़ा लगा रहने से काफी समय तक जाम के बीच खड़ी होकर महिला मरीज को प्रसव पीड़ा के बीच हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए इंतजार करती रही। पायलट संतोष शर्मा व EMT मोहम्मद तोफिक ने बताया कि वह कॉल आने पर वसई नवाब क्षेत्र के खटियापुरा गांव से महिला नीतू को प्रसव पीड़ा होने पर उसको निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वसई नवाब लेकर जा रहे थे। ऐसे में हॉस्पिटल के निकट ही दोपहिया वाहनों को हटाने के लिए इंतजार करना पड़ा।
एम्बुलेंस स्टाफ ने बताया कि यह समस्या आजकल की नहीं बल्कि आए दिन देखी जाती है। बाजार में दोपहिया वाहनों को बेतरतीब ढंग से खड़े होने से गहरा रही जाम की समस्याओं को लेकर थानाधिकारी नरेश कोसवाल की ओर से कार्रवाई की गई है। उन्होंने मौके से करीब आधा दर्जन बाइकों को टेम्पो की मदद से पुलिस थाने पहुंचाया तथा बाइकों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। थानाधिकारी के द्वारा बाजार में दुकानदारों को तथा मौजूद लोगों को भी हिदायत दी गई है कि भविष्य में दुकानों के बाहर बाइक खड़ी कर देने से जाम की समस्या पैदा होनी नहीं चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो आगे से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बसी नवाब बाजार में आए दिन जो है जाम लगता रहता है, बाइक उल्टी सीधे लगा देते हैं और पेशेंट को जब हम लेने जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है हमें, जबकि हमें जितना जल्दी होता है उतना जल्दी पेशेंट के पास पहुँचना पड़ता है। आज क्या हुआ? और पहुँचने के बाद में उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना हमारा मेन दायित्व होता है, उद्देश्य। तो आज क्या, हम एक पेशेंट को लेने गए थे, डिलीवरी पेशेंट है, उसको लेने गए तो उसको वापस लेके हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो मेजेसी बाजार में हम घुसे तो वहाँ पे काफ़ी देर तक हमें इंतजार करना पड़ा, जाम लगा है, बाइकों ने इधर उधर उल्टी सीधी लगा रखी थी। और अस्पताल के जो मेन गेट पे जब हम वापस टर्न लेते हैं तो वहाँ पे बाइक इधर से उधर लगाने में हमें गाड़ी को ले जाने में काफ़ी परेशानी होती है और प्रसव पीड़ा होने को उसको काफ़ी तकलीफ।